सेकंड, उसके बाद हमारा एक नया इवेंट निकल कर आ रहा है जो कि रीजनल लिटरेरी फेस्टिवल है। ये पहला रीजनल लिटरेरी फेस्टिवल पत्नीटॉप में उधमपुर में हो रहा है। इसको एक नाम देने के लिए इसके साथ हिंदुस्तान मीडिया ग्रुप जुड़ा है और उनके साथ जो हमारी एनर्जीज जुड़ी हैं उससे बहुत ही अच्छा इवेंट फ्लो निकल कर आया है, जिसमें कि इसमें हमारे जो नाम जो इस इवेंट के साथ जुड़े हैं उनमें जो हमारे शशि शेखर जी हैं एडिटर, ही विल ऑल्सो बी देयर। इसी इवेंट को बहुत अच्छे से एमसी करने के लिए साक्षी मंडवाल जी हैं। हमारे जो डोगरी के नाम हैं, तीन ऐसे नाम हैं जिनको पद्म सीरीज अवार्ड मिले हैं, वो लोग उन लोगों का भी इसमें जो है हमारा पार्टिसिपेशन की हम पूरी उम्मीद करें हैं। नंबर वन इज नरसिंह जम्वाल जी, डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी, प्रोफेसर शिव निर्मोही जी, ये सब वहाँ पर होंगे और इनको फिलिसिटेट किया जाएगा, इनका आदर सम्मान किया जाएगा। ये डोगरा कल्चर की और डोगरा आइडेंटिटी की एक पहचान है तीन नाम। इन लोगों के साथ डोगरा लिटरी जो हमारा रीजनल लिटरी फेस्टिवल है वो है जुड़ता। इसके बाद एक छोटी सी टी ब्रेक के बाद फिर हमारे रीजनल पोइट्स जो हैं उनका सामना होगा। डोगरी में अशोक अंबार बसोली एंड विजय ठाकुर कठुआ, वो लोग जुड़ रहे हैं। पहाड़ी में सलीम जावेद, गोजरी में अयाज सैफ पुंछ वाले, कश्मीरी में तौसीफ रज़ा, ये लोग रीजनल लिटरेरी फेस्टिवल को आगे ले जाएंगे। उसके बाद फिर साहित्य कला रीजनल आर्टिस्ट साथ जुड़ेंगे, प्रकाश प्रेमी जी, अभिशाप जी, इंद्रजीत केसर, सीताराम सपोलिया, शशि पठानिया, स्वामी अंतर नीरव पंजाबी से। तो ये रीजनल लिटरेरी फेस्टिवल एक ऐसा ब्रेन चाइल्ड है ऑनरेबल एलजी का, जिससे कि कल्चर के जगत में, लिटरेचर के जगत में, फिलॉसफी के जगत में एक अजीब सी वाइब्रेंस जो है वो देखने में मिल रही है पिछले कई दिनों से, और लोगों को पहली बार ये उम्मीद हो रही है कि जम्मू के टूरिज्म में लिटरेचर विल ऑल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल। लंच है, लंच में भी हमने डिस्ट्रिक्ट रामबन का बहुत खूबसूरत जो है वो थाली डांस है, हमारा कुड है, और उसके अलावा भी कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली हैं।